बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल में मौजूद जॉब्स के बारे में बताएंगे। ये जॉब्स पीएचडी से लेकर प्राइमरी पास स्टूडेंट्स के लिए भी है। जिसने सिर्फ प्राइमरी पास किए वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखेगा दोस्तों। ये जॉब है पाकिस्तान नेशनल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर एक्रीडिटेशन में। पहली पोस्ट जो है वो डायरेक्टर की है, इसका स्केल 19वां है, ठीक है। डायरेक्ट 19वां स्केल है इसके अंदर। नंबर पोस्ट एक है, मैक्सिमम एज लिमिट जो उन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो उन्होंने मांगी है वो 45 साल है। क्वालिफिकेशन उन्होंने यहाँ आपको बता दिखा रहा हूँ मैं आपको, PhD, MPhil, MBBS इस तरह की मांगी है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। कोटा जो है मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर असेसमेंट या डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग, 18वें स्केल है। दो पोस्ट हैं टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 35 साल मांगी है। क्वालिफिकेशन PhD, MPhil मांगी है, मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर असेसमेंट, इसकी भी स्केल 17वां है। पोस्ट नंबर पोस्ट एक है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद जो उन्होंने बताई है वो 30 साल है। और MBBS या BS, BEM या MSc मांगी है उसने, नेचुरल या अप्लाइड साइंसेज में, या पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद इसका जो कोटा जो है इसका मेरिट है ये भी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग है, 17वां स्केल है। नंबर पोस्ट एक है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो उन्होंने मांगी है वो 30 साल है। और क्वालिफिकेशन वही है जो पहले हम आपको बता चुके हैं ऊपर, और मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद IT एक्सपर्ट है, 17वां स्केल। एक पोस्ट है 23 साल उम्र, 30 साल ही उम्र मांगी उन्होंने। MSc मांगी है BS या BE और कंप्यूटर साइंस में, मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट टेक्निकल IT, टेक्निकल या IT, ठीक है। 14वां स्केल है और दो पोस्ट है टोटल, और ज़्यादा ज़्यादा उम्र जो उन्होंने बताई है वो 30 साल बताई है। ग्रेजुएशन हो या एक्सपीरियंस हो IT के अंदर, ठीक है, ग्रेजुएशन हो और एक्सपीरियंस हो, मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। एडमिन हो या अकाउंट्स या असिस्टेंट हो, 14वां स्केल है। टोटल पोस्ट एक है, 30 साल उन्होंने उम्र की हद बताई है, ग्रेजुएशन मांगा उन्होंने, मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब है नायब कासिदगी, इसका स्केल एक है, टोटल पोस्ट दो हैं, और नंबर उम्र की हद जो उन्होंने बताई है वो 30 साल है। प्राइमरी पास मांगे उन्होंने, ठीक है। और ये बुनियाद जो है लोकल बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा, यानी ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के ही अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। अब देख रहे हैं दूसरा हलाल एक्रीडिटेशन के अंदर है, इसके लिए डायरेक्टर मांगे उन्होंने 19 स्केल का, 40 साल उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा उम्र बताई है। पोस्ट नंबर पोस्ट एक है और PhD या MS या मांगा उन्होंने, ठीक है। मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग मांगा उन्होंने, एक पोस्ट है, उम्र की हद 35 साल है। MBA या MPA, BS या BEA मांगा उन्होंने, मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर IT या वेब, 17वां स्केल है। पहले एक पोस्ट है, 30 साल उन्होंने उम्र क्या बताई है, फिर BS या BE हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मेरिट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एडमिन या अकाउंट्स असिस्टेंट मांगा उन्होंने, ठीक है। 14वां स्केल है, एक पोस्ट है टोटल, उम्र की हद 30 साल बताई है, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मेरिट की बुनियाद पर ही सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद नायब कासिदगी है, एक पोस्ट, 30 साल उम्र बताइए, प्राइमरी मांगा है, लोकल बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाएगा। और स्वीपर की है एक पोस्ट और प्राइमरी मांगी है उन्होंने, उम्र क्या 30 साल बताइए, लोकल बुनियादों पर सेलेक्ट किया जाएगा। आपने अप्लाई जिस तरह करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अप्लाई करना है PNAC.org.pk के कैरियर्स पर जाके, आपने वहाँ से उसका फॉर्म डाउनलोड करना है, या CTS.org.pk से भी इसका फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जिस पते पर भेजना है वो भी हम आपको बता देते हैं, वो है PNAC मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर G5/2, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद, ठीक है। इसकी जो भेजने की आखिरी तारीख है वो 2 अक्टूबर है, इसलिए 2 अक्टूबर से पहले पहले आपने ये अपनी एप्लीकेशन जो है भेजनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।